माध्यम से गोवंश आधारित खेती, जिसमें हमारे गोपाल जी सुतारिया जो कर्णावती से बंसीगिर गौशाला से हैं, और ऐसे विशेष जो खेती में काम चल रहे हैं बिना रसायन की खेती, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया था कि किसान की कमाई 2 गुना करना है, वो पिछले साल के लिए आग्रह था कि पिछले इतने सालों से किसानों की आत्महत्याएं हो रही है, रोज 1.5-2 हज़ार किसान खेती छोड़ रहे हैं, कर्ज से डूब रहे हैं, आत्महत्याएं बढ़ गई हैं, भारत जल संकट से जूझ रहा है, ऐसी भीषण समस्या है, और कैंसर का प्रतिशत 87% तक लोगों तक पहुंच सकता है। ये सब रोकने के लिए गोवंश की गोबर गोमूत्र आधारित बैल आधारित खेती फिर से करना, जिससे किसान समृद्ध बने, किसान स्वावलंबी बने, ये कार्य, और उसके साथ पंचगव्य की चिकित्सा, पंचगव्य की औषधियों का उपयोग बढ़े, किसान फिर से उनका अच्छा स्वास्थ्य हो, और किसान परिवार गाँव में रह के एक आनंद का जीवन, और फिर से हम स्वावलंबन की तरफ जाएं, देश के अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान बढ़े, ये सब कारणों से ये सत्र आज, जिसमें गोकृपा अमृतम जो देश में बहुत बड़ी क्रांति चल रही है, हमारे माननीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम जी रूपाला जी ने बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था में फिर से गोवंश को स्थापित करना है वो कार्य, और यह समिति ने बहुत भगीरथ प्रयास किया है। आज किसान पूरे राज्य से लगभग कई गौशाला के प्रतिनिधि, कई कुछ आयुर्वेदिक वैद्य, कुछ बहुत सारे साधु संतजन इसमें सहभागी हैं। जगन्नाथपुरी से यह संदेश पूरे देश में, क्योंकि कल गोपाल जी का कार्यक्रम बंगाल में था, क्योंकि हमारे एकल विद्यालय 1 लाख से ज़्यादा गांव में चल रहे हैं, वनवासी कल्याण आश्रम काम कर रहा है, गायत्रीपुरा आर्ट ऑफ लिविंग स्वामीनारायण इस्कॉन, ऐसे अलग अलग मठ मंदिर संप्रदाय, हमारे अलग अलग संगठन, तो गाय सर्वमान्य श्रद्धा का केंद्र है, सबको एकत्र ला सकती है। हमारे मनीषी जन बोल रहे हैं कि गाय में तारेगी, वो सारा काम कि भारतीय देशी गोवंश, जैसे उड़ीसा में 6 नस्लें हैं, जो ये नस्लों की बात है, आज लोग इसको पहचान नहीं रहे पूरे प्रदेश में, चूंकि हमको पूरे देश में घूमना होता है, हमारे यहाँ खरियार, मोटू, घुमसारी, पुलिकुलम, कोसली, ऐसी अलग अलग प्रजातियाँ, 6 प्रजातियों को मान्यता है, लेकिन आज देखेंगे तो वो शुद्धतम नस्ल है, 100% शुद्ध, 1-2-4 गोवंश भी मिल रहा है कि शंका है, सैकड़ों में सांड नहीं बचे हैं पूरे विदेश में, हमारे सांड की कीमत 5-5 करोड़ तक है, ब्राजील, अर्जेंटीना, इजराइल। हमारे देशवासियों को फिर से गोवंश का महत्व, गोवंश कामधेनु है, गोमाता है, गोधन है, ये फिर से साबित करना पड़ेगा, और ये काम के लिए कि गोबर गोमूत्र का और ये पंचगव्य का क्या महत्व है, और इसमें ये गोकृपा अमृतम जो देश भर में इतनी बड़ी क्रांति सारे राज्यों में चल रही है, तो इसको घर घर ले जाने के लिए ये कार्यक्रम आज का है, गोवंश आधारित खेती, और इसके कारण पूरा देश का चित्र बदले, हम फिर से किसानों की चिंता करें, किसान हमारा, हम बोलते हैं अन्नदाता सुखी भव, ये करने के लिए हम कर रहे हैं, सबको धन्यवाद। मैं गोपाल सुतरिया, बंसीगिर गौशाला, अहमदाबाद से। तो जगन्नाथ भगवान की कृपा से यहाँ सानिध्य में आज मुझे मौका मिला, विजय भाई और सब लोग ने मिलकर जो आयोजन किया कि गौ आधारित किसान कैसे वापस ऐसा कह सकते कि 7 दिन में यूरिया DAP पेस्टिसाइड कैसे बंद कर सकता है, वो आज शिविर थी, और हमने 22 राज्यों में काम किया है, और आज हमें जो मौका मिला, इसलिए सब आयोजक गण का मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद कहता हूँ। हमने इस प्रकार का एक कल्चर तैयार किया है पंचगव्य में, से गौ कृपा अमृतम, जो 7 दिन में यूरिया पेस्टिसाइड बंद करवाता है, और गोबर मुख्य प्रोडक्ट बनाया, दूध को बाई प्रोडक्ट बनाया, बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी है। जैसे हम यूरिया डालते हो नाइट्रोजन है, तो ये जीवाणु जब खेत में जाते हैं तो 24 जीवाणु ऐसे हैं जो गोबर का उपयोग करके डायरेक्ट हवा में से ही नाइट्रोजन दे देते हैं, यूरिया खत्म। फॉस्फरस उपलब्ध करने वाले बैक्टीरिया, मतलब DAP भी की जरूरत नहीं, सल्फर उपलब्ध करने वाले हैं, और यही कल्चर पौधे पे और जब छिड़कते हैं तो अपने शरीर में से ऐसे एंजाइम्स छोड़ते हैं कि नहीं काम के कीटक फंगस दूर भागेंगे, तो किसानों का सबसे बड़ा खर्चा जो दवाई का है, पेस्टिसाइड्स का है, वो इसके द्वारा तुरंत बंद हो जाता है 7 दिन में। तो हम किसानों को ही कहते हैं कि 10 एकड़ भूमि है तो आधे या 1/4 एकड़ में डालिए, प्रयोग देखिए, परिणाम मिले तुरंत घर पे गौ माता बसाइए, और गजब के परिणाम है। हमने 22 राज्यों में 65 क्रॉप, 10 प्रकार की मिट्टी, काली, चिकनी, रेतीली, सभी प्रकार के अंदर पानी में परिणाम लिया है। तो 7 लाख से ज्यादा किसान इनडायरेक्ट डायरेक्ट जुड़े हुए हमारे पास। पहुंचने के लिए बंसीगिर गौशाला गोपाल भाई सुतरिया डालेंगे तो यूट्यूब पे भी दिखेगा, अहमदाबाद में ये एड्रेस डालेंगे तो भी आपको दिखेगा, और यहाँ से अगर विजय भाई और शिव भाई और सबको संपर्क करेंगे तो यहाँ से ओडिया भाषा में ही ये माहिती कैसे प्राप्त करेंगे वो भी हम देने का प्रयत्न जरूर करेंगे। जय जगन्नाथ। मु विजय टिबड़ेवाल, पेशारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, आउ श्रद्धारे गोमाता प्रति हृदय बहुत विचलित, आउ सब दुखर विषय चाष आउ गोमाता दूरे दे आम बहुत बड़ भूल आम कर चाषर गोमाता अलग करदे से चाषी भाई मान इनकम दिनकू दिन कमी चली सार जनित दुष्परिणाम को लेकिन आम समस्ते रोगग्रस्त होती।
आमर जो संस्था अच्छी गोमाता सेवा फोरम विगत तीन वर्ष है विभिन्न प्रकार विभिन्न गौशाला को केमी गोमाता का सुरक्षा हो पार केमी तार समाधान हो पार से सब विषय काम कर और विशेषकर यही माटी माँ को आम विष दबानी एटा गोटे स्लोगान एटा गोटे संकल्प धरिकी आम आज ये प्रोग्रामटा आयोजन करूँ। यही प्रोग्राम रे ओडिशा रा विभिन्न जिल्लारु 350 कृषक बंधु आसी आ कृषक बंधु आज बुझुचंती आम बिना सारे बिना पेस्टिसाइड रे केमी चाष कर पारा आमर टोटल खर्चा केमी जीरो हम आई हिसाब से आम इनकमटा बढ़ी पार जो गोटे धारणा अच्छी कि बिना सार पकई आम प्रडक्शन बढ़े पार्वानी अर्गानिक प्रडक्शन बढ़ी पार्वानी से धारणा संपूर्ण भूल बोली प्रमाण करने विश्लेषण करने गोपाल भाई सुतरिया अहमदाबाद आ सका आमको विश्लेष कर बुझौंती आम मैंने कनभीन्स अच्छे कि बिना सारे बिना पेस्टिसाइड रे बिना खर्च रे चासी भाई चाष कर ताद्वारा तार इनकम बढ़ी पार या गोटे पर आनीपर आसंता समय ओडिशा रा जिला जिले में सबू चाषी भाई मानक एकाठी करी केमी आम विषमुक्त चाष कर माटी माँ को विष दबा ना से संकल्प आज जगन्नाथ का मंदिर सामनु आम यहाँ शपथ नहीं कि चाषी भाई मैंने जी कि आम माटी माँ को आम विष दबू नहीं आम अर्गानिक चाष करूँ आर्ष जहाँ इनकम होता आसंता वर्ष आम तार इभाल्युएसन करूँ कि ना आम इनकम बढ़ला कि ना प्रडक्शन बढ़ला कि ना आम केमी विषमुक्त चाष करूँ यहाँ बहुत महत उद्देश्य ओडिशा गोटे परिवर्तन पाई आम प्रयास करूँ आशा करूँ आपण मैंने समस्ते चाषी भाई मानक पहुँचातु कि आम आउ चाष कला बेले ए गो कृपा जोटा आम निःशुल्क आज गोटे गोटे बोतल देबू से बोतल में 200 लिटर पा मिसेकी 2 लिटर दही पा मिसेकी आउ 2 लिटर गुड़ मिसेकी केवल 200 लिटर सार या जोटा कस्ट हम जीरो से सार को प्रयोग करके विषमुक्त चाषी करें यहाँ गोटे प्रयास जारी रही।